हेलो वेल वेलकम। आजकल आप लोगों ने सुना ही होगा कि पोकेमोन गो कितना फेमस है। सुना होगा क्या? आप सुन ही रहे होंगे पोकेमोन गो कितना फेमस है, जिसको आजकल लोग कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड गेम, रियल वर्ल्ड गेम। तो क्या आपने सोचा है कि पोकेमोन के रियल वर्ल्ड कैसे है और किस टाइप से वर्क करती है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो एल वेलकम, आपका स्वागत है हमारे साथ नो मोरिट में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि नो मोर इट एक चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग चीज़ों के बारे में, एजुकेशन, टेक न्यूज़, कुछ भी, मतलब सब कुछ। इसको बोलते हैं ना ऑल ओवर, वो हैं हम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोकेमोन गो जो गेम है वो एक फिनोमेना पे वर्क करती है, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट रियलिटी। आर्ग्यूमेंट रियलिटी क्या है वो आप इस फोटो में देख ही रहे हैं कि एक आदमी के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन उसको पिकाचू दिख रहा है और वो पोकेमोन को खेल रहा है। तो आखिर आर्ग्यूमेंट रियलिटी चीज़ क्या है? आर्ग्यूमेंट रियलिटी है आपका एक रियल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड के आसपास आपको अपना ही रियल वर्ल्ड चेंज नहीं मिलेगा, उसमें कुछ चीज़ें एडिट हो जाएंगी, उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट रियलिटी। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने एक बुक खोली हुई है और अपने हाथ में टैबलेट है। तो एक टैबलेट एक तरह का सोर्स है जो उस चीज़ को एनालाइज करता है, और सामने बुक एक तरह का कंटेंट है जो हमें आर्ग्यूमेंट रियलिटी प्रोवाइड करता है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप गूगल प्ले में जाएंगे और आर्ग्यूमेंट रियलिटी सर्च करेंगे तो आपको कई सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अब जैसे कि आपको मैं अगली फोटोज दिखाता हूँ, तो देखिए आप इस हाथ में टैबलेट देख सकते हैं और टैबलेट के पीछे आप देख सकते हैं एक पेपर। तो ये पेपर आखिर है क्या? पेपर के अंदर स्पेशल टाइप का कोड, एक स्पेशल टाइप का एक कोडेड मटेरियल होता है जो इस कोड की फ़ोटो के अंदर परमानेंटली सेव कर देते हैं। जैसे ही आप इस फोटो को किसी आर्ग्यूमेंट रियलिटी के सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन करेंगे तो ये आपको एक 3D, थ्री डायमेंशनल जिसको आप बोलते हैं, वो आपको एक पिक्चर, एक ऑब्जेक्ट दिखा देगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपकी इसी दुनिया में, इसी वर्ल्ड में मौजूद होगा, वो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको आपके टैबलेट के थ्रू दिखेगा, यानी कि टैबलेट ही आपकी बन गई आँखें। अब दूसरी वीडियो में देखिए, एक आदमी के हाथ में है एक पेपर और पेपर से उसको दिख रही है कैंटीन की फ़ोटो, वो भी 3D। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज भी करते हैं तो उसी तरह ये फ़ोटो भी चेंज हो जाएगी। मतलब आप मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपको चाहिए सोफ़ा, तो आप क्या करेंगे? सोफ़े को वहाँ लाने के जरिए आप सोफ़े को एक आर्ग्यूमेंट रियलिटी के थ्रू वहाँ पर लगा कर देख सकते हैं कि हाँ ये ऐसा लगेगा। और सबसे बढ़िया बात है आप उसका एंगल, डायरेक्शन, यहाँ तक कि उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं कि सोफ़ा किस तरह से क्या है, मतलब जो भी आप चाहे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट रियलिटी ग्लास मान लीजिए, आर्ग्यूमेंट रियलिटी अगर आप ग्लास पहन लेते हैं तो आपका पूरा वर्ल्ड ही एक आर्ग्यूमेंट रियलिटी बन जाएगा। यानी कि आपको हर जगह आप चीज़ एडिट कर पाओगे, यानी कि जहाँ आप घड़ी नहीं है वहाँ घड़ी लगा दो या खुद लगा दो, मतलब हर जगह आप अपनी जगह एडिट कर पाएंगे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपको होलो लेंस। होलो लेंस के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने आयरन मैन में भी देखा होगा कैसे होलोग्राम निकल के आता है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन आर्ग्यूमेंट रियलिटी सबसे बियॉन्ड है। आप वर्चुअल रियलिटी का भी मज़ा बिठाते हैं। वर्चुअल रियलिटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या है वर्चुअल रियलिटी और कैसे आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।